मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मांगा कैसे ड्रॉ करते हैं, और वो भी बिगनर्स के लिए हिंदी में। तो शुरू करते हैं। बिगनर्स से मेरा मतलब है जिन्हें कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं। और मैंने भी इसी सीरीज़ के साथ स्टार्ट किया है, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कोशिश पूरी रहेगी अच्छा मांगा बनाने की, अच्छे एनिमे कैरेक्टर्स बनाने की। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे आईज़ पे, उसके बाद हम फेस पे जाएंगे, फेस के बाकी फीचर्स पे। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ ड्रॉ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अब सिर्फ हाईलाइट करके बताऊँगी, समझाऊँगी क्या चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, ये ग्रीन वाली जो मैंने अभी बनाई है। फिर चार वर्टिकल लाइंस बनानी है आईज़ के लिए। और हाँ, ये वाली ड्राइंग देख के डर मत जाना, आगे ड्राइंग सुधरेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, फिर आईब्रोज बनानी है, और फिर हमें दो लाइंस बनानी है सिर्फ, एक तो ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रखी हैं, जैसे कि पहले ही यहाँ पे डबल लाइन बना रखी है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से बनानी है, नॉक ऑफ वर्जन इसका। आईब्रोज बना ली ऐसे, और ये ऐसे। एक सेकेंड, अरे हाँ, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने ये बनाना है। फिर हमने डायरेक्ट ऐसे कलर नहीं करना जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोगों को जल्दी हो रखी होती है फिलिंग करने की। फिर हमें एक ऐसे शेप देनी है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, इरेज कर लेते हैं। ओ बेटर लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। फिर आईज बनानी है, और इस तरीके से और फिर हम दो पार्ट्स में शेड करेंगे, एक तो ये बाहर वाले में और एक ये जो मून टाइप का बनाया है इसमें। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, पर ये बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। इसमें मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ निकाली थी अपनी ही खुद की बनाते हुए, ड्रॉ करते हुए, कि जब हम ऐसे आईज बना रहे होते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे कट आएगा ऐसे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ पे ये पूरा सर्कल बनेगा, फिर ये हाईलाइट वाला एक सेकेंड ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे हाफ मून टाइप की आइज़ बनेगी। ये ऑलमोस्ट मर्ज हो रही होगी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होगा सर्कल ये वाला, ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ी विड्थ है इस साइड पे, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम फिल करेंगे इसमें, और दूसरा कलर फिल करेंगे हम यहाँ पे। ये जो चीज़ बनाई है, एक सेकेंड, ये वाली, ये उसके लिए होती है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है,
अभी ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी सेम सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें पहले सर्कल बनाना है। ये वाला ले लूँ, हाँ ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें ये रहा सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल को ऐसे जॉइंट करेंगे अंदर। हाँ यहाँ पे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन हो रखा है कि पहले हाफ शेप ऐसे बनानी है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक अंदर कट, फिर ऐसे हाईलाइट के लिए एक सर्कल, फिर उसके बाहर एक और सर्कल, ये हाईलाइट वाला सर्कल, इसके बाहर एक और सर्कल, अंदर ऑलमोस्ट एक मून ऐसे। हाँ देख के समझ आ गया होगा इसको देख के। और फिर इसको ऐसे फिल कर दिया है, मून को फिल करना है, मून वाली साइड को और बाहर वाली साइड को, दो चीज़ों को फिल करना है। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके की आइज़ मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं फेस पे। फेस का मेरा पहला ट्राई था जो कि बिल्कुल ही पूरा मॉन्की बना था, तो इसका कुछ कर नहीं सकते अभी, बट ये मॉन्की काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा आगे जाके, तो वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी कैसे। सबसे पहली चीज़, फेस बनाने के लिए एक सर्कल बनाना होता है, फिर उसमें ऐसे प्लस का साइन, फिर उस प्लस के साइन को एक्सटेंड कर दो। अब अगर नॉर्मल हम ह्यूमंस का बना रहे हैं, एनिमे जो होता है ना वो थोड़ा कार्टूनिश होता है, तो नॉर्मल जो ह्यूमंस का होता है उसमें ना ऑलमोस्ट सब कुछ इक्वल इक्वल होता है, छोटी छोटी आँखें होती हैं और माउथ भी ठीक होता है और प्रॉपर सारी डायमेंशंस होती हैं, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे अभी समझाती हूँ, ये तो मॉन्की वाला फेस है, कुछ ऐसा भी नहीं होता मॉन्की, बट ये कुछ गलत ही बन गया, ये वाला नहीं है। ह्यूमंस का जो फेस होता है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे इसकी आईज हैं और इन आँखों से रेड कलर का गुस्सा सॉरी ओके सो ये आईज हैं, यहीं पे आईब्रोज हैं और प्रॉपरली यहाँ पे इसके ईयर्स हैं, और ये मतलब फेस का जो डायमेंशन है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसीलिए ये ह्यूमन टाइप की लग रही है। बट एनिमे में और मांगा में वो थोड़ा कार्टूनिश होता है, ह्यूमन टाइप का नहीं होता, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करेक्शंस करनी पड़ेंगी। सर्कल बना के प्लस का साइन डाल के पहले तो एक ऊपर लाइन डालेंगे और आईब्रोज के लिए जगह बनाएंगे। यहाँ से देखो, इससे देखो, ये सर्कल है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, एक लाइन आ गई, कहाँ गया, ये एक लाइन आ गई, सेकंड लाइन ये वाली आ गई और थर्ड लाइन ये वाली आ गई। रेफरेंस के लिए लाइंस बनाई हैं कि आईब्रोज कहाँ पे बनेंगी और आईज कहाँ पे बनेंगी, ठीक है। अब आईब्रोज यहाँ पे बनी हुई हैं और आईज जो होंगी इसमें ये नेचुरल ह्यूमन आईज की तरह नहीं होंगी, ये थोड़ी बड़ी बनेंगी क्योंकि ये कार्टूनिश बनाना है हमें, और फेस का साइज हम कर देंगे छोटा क्योंकि अगेन सेम चीज़ कार्टूनिश होना चाहिए, नहीं तो अगर हम इलोंगेटेड रख रहे हैं और प्रॉपर उसकी आईज और सब कुछ डायमेंशन सब कुछ प्रॉपर रख रहे हैं तो वो एकदम ह्यूमन फेस लगेगा। पर एनिमे के लिए कार्टूनिश बनाने के लिए आईज थोड़ी बड़ी, छोटा फेस और फीचर्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत तोल मोल करके बना सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद बनी है क्योंकि ये दोनों साइड्स का इक्वल बन नहीं रहा था। इसको बनाने के लिए क्या किया, बेसिक पहले एक साइड में एज दिया, फिर अक्सर लोग ऐसे जॉइंट कर देते हैं सीधा ऐसे ट्रायंगल की शेप में, पर ऐसे नहीं किया मैंने, एक सेकेंड बैक करूँ इसको। एज देने के बाद इसको थोड़ा ऐसे यू टर्न का कर्व दिया, यू टर्न का कर्व, हाँ, और फिर ऐसे चिन को थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये सब करना है हमें, जैसे ये तो ब्लू वाला बड़ा हो गया, पर ब्लैक वाला एक्यूरेट बना है क्योंकि ये छोटा फेस होना चाहिए और क्योंकि आईज हमें बड़ी रखनी है, और ऐसे जो होते हैं दो लाइन डाल के स्नेक आईज नहीं बनानी है नहीं तो फिर वो स्नेक वाला मांगा बन जाएगा जैसे, अरे हाँ बना सकते हैं वैसे, अच्छा लगेगा ये, एक सेकेंड इसमें ग्रीन यूज़ करके इसको ऐसे, और अब ये नागिन बन गई है, दिस इज स्नेक। रैडल स्नेक को अपनी आवाज़ सुनाई देती है क्या, मेरे ख्याल से नहीं देती,
बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसी फेस के साथ हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए. सबसे पहले तो हमने वही वाली टेक्निक यूज़ करी जो मैंने आपको अभी बताई थी. बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, सॉरी मैं आर्ट में नहीं हूँ और अक्सर हमारा सारा काम होता है ट्रेसिंग से, इसीलिए हमारे आर्ट अच्छा लगता है. हमारा आर्ट ओके लीव इट. तो हाँ, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी. पहली चीज़ यही कि जो टाइप की आईज़ मैंने ऊपर बताई थी बनाने की, और इसकी चिन थोड़ी सी ठीक नहीं हो पाई, पर ये आगे जाके हमने ठीक कर ली थी. तो हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली आप कुछ भी बहुत सारे तरीके की ट्राई कर सकते हैं. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक ही टाइप की करनी है और दूसरे टाइप की नहीं कर सकते. इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, जैसे कि इन्हीं आईज़ में जब कलर कर दिया, और ये अभी पूरा लुक अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी ये चिन में जो दाढ़ी बनी हुई है ये अच्छी नहीं लग रही, तो ये आगे वाली पिक्चर्स में मैंने हटा दी ऑलमोस्ट. ठीक है, ये जो एरर होता है ना, ये एरर बेसिकली हुआ था जब जॉइंट कर रहे थे दोनों लाइंस को, और ये जूम हो नहीं रही थी तो इसलिए हो नहीं पाया ठीक. हाँ, अभी ठीक लग रही है. नहीं तो पता है क्या, इसको ऐसे स्पाइक्स देते थे ना, तो क्योंकि एक तो अभी किसी जॉम्बी मूवी में वो वाला किलर लग रहा है, जो मतलब जो गन लेके खड़ा होता है. कैसी गन है, और जो जॉम्बी को देख के एंड में भाग जाता है, मतलब हीरो बनते हैं और हीरो होते नहीं हैं. एनीवेज व्हाटएवर, सो यस, ये प्रॉपर चिन. इस वाली चिन में कलर कर रखा है, चिन कह रही हूँ, इस वाली आईज़ में यहाँ पे डार्क में कलर कर रखा है. मून में नहीं हो पाया, मून टाइप की जो लाइन बनाई थी उसमें नहीं हो पाया कलर, क्योंकि नहीं हो पाया, जूम नहीं हो रहा था. एनीवेज, फिर यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है, इस ट्रांजिशन में यही है, चिन ठीक करी है. फिर यहाँ से यहाँ पे, अरे इरेजर आ गया. फिर यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है, इसमें हमने कहा चलो इसको पूरा ईवल ही बना देते हैं, तो इसलिए इसकी पूरी आईज ही ब्लैक कर दी. और अब इन्हीं ईवल आईज में हम दो रेड लाइंस बनाएंगे, या इसमें हम ईवल भी लिख सकते हैं, यू नो, किसी की आँखों में ईवल लिखा होता है क्या, ईविल. हेलो, बेस्ट, अब लग रही है पूरी ईवल. वहाँ पर लिख दो ऑसम, आई डोंट केयर, व्हाटएवर, राइट. फिर इसकी दूसरी टाइप की आईज ट्राई करी, दैट इज फुल ब्लैक आईज में यहाँ पे, वाह इरेज ही कर दी मैंने, फुल ब्लैक आईज में वाइट. और कुछ डरावनी बनाने के लिए जो होती हैं उनके बारे में, वो ऐसी भी होती हैं कि फुल ब्लैक आईज में वाइट और फिर उनमें छोटे से ऐसे ब्लैक डॉट्स जैसे कि इसमें बनाए हुए हैं. ये कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो गई, अरे अब तो प्रॉपर ज़ॉम्बी लग रही है, ऐसे अपनी आंखों से गुस्सा निकालेगी. राइट, अब इस वाले को नॉर्मल भी बना सकते हैं ऐसे कि फुल ब्लैक आइज वाइट इंटीरियर, क्या बोल रही हूँ मैं, फुल ये आइज ब्लैक और वाइट सर्कल में फिर यहाँ पे थोड़ा सा और ब्लैक. तो हाँ, ये चीज़ भी इसको इंसान दिखा रही है. इसकी नोज़ थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, आगे जाके ठीक होगी. ठीक है, जॉम्बी वाली के बाद हमने अगली चीज़ जो करी वो इसकी आइस थोड़ी सी यहाँ से रब कर दी दोनों साइड से, और फिर से वही वाली आइस बनाने की कोशिश करी जो स्टार्टिंग में हमने आपको सिखाई थी, बट वो बन नहीं पाई ड्यू टू ABC रीजंस जो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है क्यों नहीं बन पाई. ठीक है, अगली ड्राइंग, इसमें एक अलग टाइप की आइस ट्राई करी है कि ये आई है, ठीक है, इसमें ये क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है, ये आईज हैं, इसमें अगर हम ऐसे बनाए मून और एक ऐसे तो ये भी ठीक लगेगा, जैसे ये इसमें ऐसे एक आई, एक हाईलाइट वाली है ये तो, और ये ऐसे, ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पे ट्राई करी, ये प्रॉपर नहीं हो पाई, आगे जाके होगी प्रॉपर, यहाँ पे हुई है प्रॉपर, यहाँ पे इस वाली जगह पे। पर अभी यहाँ पे आ जाओ दोबारा, यहाँ पे फिर से इसी को डबल कलर किया है, फिर यहाँ पे इसका परिवर्तन हो गया दोबारा से जॉम्बी में, और क्योंकि जॉम्बी को गुस्सा अजीब तरीके से आ रहा था इसलिए उसकी आँखों से लेज़र बीम्स भी निकल रही हैं। फिर हमने एक नई चीज़ ट्राई करी, हमने कहा कि चलो आइस को शेप देते हैं। एक तो ये वाली ना, अगर किसी के कोई एनिमेटेड मूवीज़ ज़्यादा देखता होगा ना तो उसको पता होगा ये जो शेप होती है ना, ऐसे ये ऐसे अक्सर हिरन डियर जो होता है मूवीज़ में उसकी आइज़ में होती हैं, ठीक है, ये वाली शेप, ये जो यहाँ पे ये शेप दे रखी है ये वाली। और दूसरी साइड आई शेप, ये वाली बहुत लड़कियों में कॉमन होती है, मतलब बहुत लड़कियों में नहीं, एनिमे वाले में कुछ में, और अगर नागिन बनानी है तो नागिन में तो हो ही सकती है, जिसमें ऐसे ऐसे और दो पलके और ये आँखें हैं, ठीक है, ये वाली, ये जो यहाँ पे दो नाग जैसे ये वो दे रखे हैं ये, ठीक है, नहीं तो ये कलर भी हो सकते हो, यहाँ पे एक हार्ट बना दो और ये हार्ली क्विन हो गई, और फिर ये जोकर की मूवी बना दो जिसका कोई मतलब नहीं होगा, नहीं नेवर माइंड। यहाँ पे फिर इसी चीज़ को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया है क्या बोल रही हूँ, फिर इसी चीज़ को, फिर इस हिरन वाली आइस को बनाया है यहाँ पे, हाँ यही बनाया है, यही बनाने की कोशिश कर रही है कि आंखें अच्छी लगें। नेक्स्ट फिर इसमें ये वाली चीज़ बनाई है, हाफ मून टाइप की चीज़ ऐसे, एक ये हाईलाइट और अब इसको आ रहा है गुस्सा, नहीं गुस्सा इसके सर पे निकला ऐसे ही, वट एवर इसको छोड़ो इसको भूल जाओ। हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर ये हिरन जैसी आंखें बनाने के बाद हमें लगा कि नहीं हमसे नहीं बन पाएगा, तो हमने फिर से यहाँ पे जॉम्बी वाली हरकत दोबारा दोहरा दी, पर इस बार हमने इल्यूमिनाटी वाला जॉम्बी बनाया है जो थोड़ा सा फैट भी है और जो खाना भी खा रहा है, इसको ऐसे जो कर्व बना देते हैं ना सी टाइप का, ऐसे लगता है कि मुंह में कुछ च्यू कर रहे हैं, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये च्यू कैसे कर रही है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कर्व मैंने ठीक से दे नहीं रखा है, तो इस कर्व को ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये फैट है, इसको पूरा एक गोल कर लो, समझ जाओ। और यह है हमारा हेल्दी ज़ॉम्बी, हेल्दी मतलब सॉलिड, अच्छा खासा तगड़ा ज़ॉम्बी जो सबको मार भी पाएगा, नहीं तो अरे हाँ यार इतने सूखे सूखे ज़ॉम्बीज होते हैं तो वो तो भागते भागते खुद ही मर जाएंगे, हेल्दी होने चाहिए, व्हाटएवर। नेक्स्ट इसको थोड़ी इंसानियत वाली लुक देने के लिए, नॉर्मल वाली पिक्चर को, ड्राइंग पे हमने बाल ऐड करने की कोशिश करी पहली बार, जो कि मिजरेबली हम फेल हुए बाल ऐड करने की कोशिश में, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने गंदे तरीके से बाल ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे, बट फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे तीन कर्व्स वाली लाइन, फिर एक ऐसे टिल्ट, एक ऐसे टिल्ट और एक बड़ा सा पहाड़ ऐसे, ये ऐसे बनेंगे यार, मेरे को समझाना नहीं आ रहा, मेरे को ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें थोड़ी सी इंसान लग रही है, और ये वाली तो खोपड़ी जो है ये तो रिमूव हो जाएगी, मतलब इरेज हो जाएगी तो अच्छी लगेगी, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया है। पर फिर जब ये देखो ये अच्छी लग रही है ना, ब्लू वाली ये अच्छी लग रही है पता है, इतनी बुरी भी नहीं लग रही, पर जब यहाँ पे मैं बनाने पे आई तो यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ऐसे इसके सर से फाउंटेन निकालना शुरू कर दिया, फिर मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने फाउंटेन क्यों निकाला, फिर मैंने कहा फाउंटेन अच्छा है कि मतलब इससे कुछ और चीज़ भी बन सकती है, जैसे कि एक बेबी मांगा या बेबी एनिमे मांगा वॉट एवर, राइट। तो फिर इसके वाले बाल उड़ा दिए और इससे हमने ये वाला मैल न्यूट्रिशन बेबी मांगा बनाया, और फिर हमने इससे ये बनाया फाइनल हमारा ज़ॉम्बी बेबी मांगा। वाओ, हाँ वीडियो का टाइटल हो सकता है, हाउ टू मेक अ ज़ॉम्बी बेबी मांगा। और इसके यहाँ पे ये फैंग्स हैं जिनसे ये ज़ॉम्बी बेबी मांगा खून पिएगा
वट एवर इसकी आईब्रोज और इसके खून के आंसू जो ये वीडियो देखने के बाद ये रोएगा कि मैंने वीडियो क्यों देखी। इसके कान से भी खून निकल रहा है क्योंकि सुना तो जा नहीं रहा है, बहुत बकवास सुना दिया मैंने। और वेंस होनी चाहिए इसकी, थोड़ी सी ऐसे वेंस निकलाई हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है ये अपनी लाइफ रिग्रेट कर रहा है राइट। और इसकी आंखें हरी हो गई हैं क्योंकि इनमें पॉइजन आ गया है। अच्छी नहीं लग रही ना, इसको ब्लैक ही कर दें। अब तो अजीब सी लग रही है बहुत, इसकी आईज भी ब्लैक, फिर भी ठीक है। इसकी आंखों से गुस्सा निकल रहा है, इससे भी लेज़र बीम्स वाला गुस्सा। ये रेड में पता नहीं चल रहा ना गुस्सा, इसका कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर लें, गुस्से का कौन सा कलर होना चाहिए, पर्पल कर लें। बहुत कलरफुल हो गया, रहने देते हैं गुस्सा, रहने देते हैं या इससे करते हैं। इससे बीम्स निकल रही हैं आँखों से, गुस्से की बीम्स, ये रोने वाली लग रही हैं बट फिर भी चलो कोई नहीं। के बालों में कलर हो सकता है, फ्लावर बना दिया सनफ्लावर। हाँ ये तो सनफ्लावर बन गया। डिंग 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 डिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वर्स्ट नाम रखते हैं, वर्स्ट जॉम्बी बेबी मांगा हिंदी में कैसे बनाएं। हाँ तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन हिंदी, और इन हिंदी लिखा इंग्लिश में है, ओ गॉड ओके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप डिसलाइक का बटन नहीं दबाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। और अगर सही में अच्छी लगी तो बताना, और ड्राइंग करने की कोशिश करूँगी और ऐसे थोड़े ज़ॉम्बीज कम बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़े अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं विद टाइम शायद मैं भी बनाना सीख जाऊँ मांगा। सो गुड लक विशेस दो मुझे और ख़ुद को भी, और कोशिश करना बनाने की, बहुत ही अच्छा आर्ट है, बहुत ही अच्छी कोशिश है। क्योंकि आर्ट किसी भी टाइप का हो, आप अगर दिल से कर रहे हो ना, दिल भी अच्छा नहीं बन पा रहा यार मैं तो, मतलब अगर मतलब दिल से खुशी मिल रही है ना, दिल से खुशी मिल रही है ना आर्ट बनाने में, वही मैटर करता है। अब अच्छा बन गया। हाँ रीटेक में अगर आपको दिल से खुशी मिल रही है ना आर्ट बनाने में, तो वही मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर्ट हमें खुश करने के लिए ही होता है। हाँ और मेरे पास और शब्द नहीं है इन ड्राइंग्स को और जस्टिफाई करने के लिए, बट हाँ कोशिश जारी रहेगी अच्छे मांगा बनाने की। सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।